बस होना चाहिए कहीं भी हो बस होना चाहिए, ससुराल होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपकी जो बेगम है साहिबा हैं, अगर वो नाराज़ भी हो जाती हैं तो जब ससुराल दूर होगा तो वो भी एक दफ़ा सोचेगी कि मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा, इसलिए वो मुँह सु बना के एक दो दिन खुद ही सेट होके चाहे रन मरीद बन जाए, बस लड़ने ना दे उससे। क्लासेस बंक करके हैं, जाहिर सी बात है ये एक शोभा है इसको बंक करने का भी एक शोभा ही समझ लें। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते, शक्ल से लगता हूँ ना, इतनी काफ़ी है शादी ससुराल दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? इतना दूर होना चाहिए कि भाई दो दिन बाद पहुँचे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या यार, इतना बिजी होते हैं, काम कर रहे हैं या फिर उसको आना जाना लेकर आए। ससुराल पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बहुत दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? यार ससुराल अगर पास हो तो हर रोज़ बीवी को ले जाना पड़ता है, तो इसलिए दूर हो तो कभी कभी जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि ससुराल पास होना चाहिए या दूर। तो आइए लोगों की राय उनसे जानते हैं कि ससुराल पास होना चाहिए या दूर। आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। क्या कर रहे हैं आजकल यहाँ? मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। कहाँ पे? मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में। गुड, तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा सेमेस्टर दूसरा चल रहा है अभी तक। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं आप? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बीएस पीआर सेकंड सेमेस्टर। गुड, तो आज हमसे कुछ आपसे सवाल करने लगे हैं। जी करें, वेलकम। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि शादी ससुराल में, ससुराल आपका दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? बस होना चाहिए कहीं भी हो बस होना चाहिए, ससुराल होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपकी जो बेगम है साहिबा हैं, अगर वो नाराज़ भी हो जाती हैं तो जब ससुराल दूर होगा तो वो भी एक दफ़ा सोचेगी कि मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा, इसलिए वो मुँह सु बना के एक दो दिन खुद ही सेट होके बाद में आपके मामला ठीक हो। नहीं, अगर वो नाराज़ हो जाएं तो उन्हें अपने भाइयों को बुला लेना है, तो फिर आगे का तो आप जानते ही हैं क्या होगा। लेकिन बंदा कोशिश करे कि नाराज़ उसको होने ही ना दे, इतना प्यार करे उसको, चाहे रन मरीद बन जाए, बस लड़ने ना दे उससे। ठीक है, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं बस नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि शादी जल्दी से जल्दी करें, आजकल की आवाम बहुत तत्ती हुई पड़ी है, जितना हो सके। ये तो न्यू जनरेशन का ख्वाब है ना? यही, मैं एक न्यू जनरेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी शादी करेंगे उतनी जल्दी आपका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। ठीक है, क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाओगे, एक तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को मज़ीद अच्छे तरीके से हैंडल करना शुरू करोगे, नहीं तो आप अपने वालदैन के पैसे पे अय्याशी कर सकोगे और तो कुछ नहीं कर सकोगे। फ़िलहाल तो मुझे ये यही लग रहा है कि आप भी अय्याशी कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, मैं अय्याशी कर रहा हूँ लेकिन मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। वो तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। तो आप हमारे नाज़रीन को कोई गाना सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैं गाना सुनाना पसंद करूँगा। ओके, सुनाएं। ये मैं, जी जी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, अंजाम है तै मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। थैंक यू। थैंक यू। ये दूरियां उनकी वजह से फिलहाल हैं? बस ये उनकी वजह से फिलहाल है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब का? मोहम्मद बिलाल। क्या कर रहे हैं आजकल आप? कुछ कल स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूएमटी। यूएमटी में कौन सा सेमेस्टर चल रहे हैं? अभी तो थर्ड चल रहा है। किस प्रोग्राम में? आईटी। आईटी कर जी रहे। ओ गुड। यहाँ मार्केट में आप क्या करने आए हैं? यहाँ पे पहले घूमने आए थे, फिर दिल किया कुछ खा लें, अभी कुछ खा के बाहर आए हैं। क्लासेस बंक करके हैं? जाहिर सी बात है
जरूरी होती है। नहीं, क्लासेस बंक करना आपको मजा आता है? ये एक शोभा है, इसको बंक करने का भी एक शोभा ही समझ लें। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते। शक्ल से लगता हो ना, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, आपकी फेवरेट हॉबी? हॉबी अभी कोई नहीं देखी भाई मैंने, कोई मतलब के सोची नहीं है अभी। क्यों? बस जाई जा रही है जिंदगी, जाई जा रही है, उसके साथ चल रहे हैं। ऐवें ही चलाई जा रहे हैं? हाँ, ऐवें चलाई जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि शादी ससुराल दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? इतना दूर होना चाहिए कि भाई दो दिन बाद पहुँचे। ऐसा क्यों? ऐसा यार, इतना बिजी होते हैं, काम कर रहे हैं या फिर उसको आना जाना लेकर आए। यार वैसे ही वो आपके पास जब होगा तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। यार नहीं, फिर आपके चक्कर बोल लगते हैं, कभी ये कर लो तो कभी वो कर लो। यानी कि रान मुरीद बिल्कुल नहीं बनना? रान मुरीद तो दूर दूर की नहीं। मैं तो शादी भी ना करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट है भाई, आप स्टडी ना करो, बस चुप करके घर बैठो। किसने कहा? आप कह रहे हैं ये? मेरा तो ओपिनियन यही है, बाकी आपको सोच लो। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लड़कों का ओपिनियन तो चेंज होता है, जो मैंने देखा है या सुना है। वो तो बचपन से कराना चाहते हैं भाई, कुछ लोग तरसे हुए होते हैं। हम तरसे हुए लोग नहीं हैं। ये तो आप अपनी तरीफें किए जा रहे हैं ना, हम कैसे मान लें कि ऐसा है वाकई में? सब्र का फल मीठा होता है, जितना सब्र करेंगे उतना ही मीठा मिलेगा, इसलिए सब्र करें आप। मजीद कितना सब्र करना चाहिए? ये तकरीबन 4-5 साल करना चाहिए। और क्यों? फिर मीठा मिल, फल भी तो मिलना है ना, टूट के गिर जाएगा फिर क्या फ़ायदा। फिर तो गल जाएगा। अगर गल गल गया तो वो गिर जाएगा, उससे पहले पहले पकड़ना है, ताज़ा ताज़ा पकड़ना है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना पसंद करेंगे, कोई गाना वगैरह? कोई नहीं, गाना तो मुझे आता नहीं है, मैं सुनता नहीं हूँ। कोई नात वगैरह ही सुना दें? ना, नात भी नहीं, कम, बहुत कम सुनते हैं। आप क्या करते हैं फिर? ना आपको कोई हॉबी है, ना आपकी कोई नात, ना कोई गाना? कुछ करते तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, जो दिखाते हैं लोग वही देख दो। लोगों को पढ़ते हैं ना हम? अच्छा, लोगों को पढ़ते हैं। वाह, तो मेरे बारे में क्या ओपिनियन है आपका? आपके बारे में अभी आपको पढ़ने तो दें हमें। हमें चांस देना पढ़ने का, फिर आपको बहुत बहुत कुछ देखेंगे भी आप में और पढ़ेंगे भी कैसे हैं। नहीं, कोई पोइट्री वगैरह ही सुना दें आप। नहीं, पोइट्री हमें कहाँ आती है? अगर आप लोगों को पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पोइट्री आनी चाहिए। यार पोइट्री बहुत आती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आती हैं, वैसे तो आती नहीं है पोइट्री। आप सुना देता हूँ एक आपको। रात भर जाम से जाम पीने क्या क्या फ़ायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी, हमने आपकी आंखों से पी है सारी उम्र। पोइट्री मेरे ख्याल से ऐसी तो नहीं पढ़ी जाती ना, आराम आराम से पढ़ी जाती है, कि उसका एक मोशन होता है बस ना। हमारी तर्ज इतनी है। इस तरह की तर्ज है हमारी, जिस तरह की आती है उस तरह की हम फील करते हैं ना, हम सुनाते नहीं हैं। चलें फील ही करवा दें फिर हमें भी। और चलें, दिन तो गुजर जाते हैं, दिन तो गुजर जाते हैं, रातें कम वक्त बहुत गहरी होती हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब का? शाहिद राज। शाह साहब, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? ड्राई फ्रूट का। गुड, माशाल्लाह। शाह साहब, आशा हम आपसे आज क्वेश्चन करने लगे हैं कि ससुराल पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बहुत दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? यार ससुराल अगर पास हो तो हर रोज़ बीवी को ले जाना पड़ता है, तो इसलिए दूर हो तो कभी कभी जाना पड़ता है। नहीं, वो डेली की डिमांड नहीं करती फिर? नहीं, वो फिर डेली की डिमांड कहाँ होती है, जब बंदा अपने काम से नहीं फारग होता तो दूर हो तो वो फिर महीने में एक आध चक्कर जो है वो लग जाता है। क्या वो महीने में सर्वाइव कर जाती हैं सब कुछ? जहरी बात है, करना पड़ता है। गुड, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप सर्वाइव करवा रहे हैं, मुझे मैंने जो भी इंटरव्यू लिए हैं उन्होंने कहा है कि अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो इस वजह से दूर होना चाहिए, लेकिन आपकी ये प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं? यार बीवी नाराज़ होना, बेसिकली मर्द अगर खुद ठीक हो तो बीवी का नाराज़ होना बनता ही नहीं है। तो ये फिर वही हैं जो बर्गर बच्चे हैं, जो कहते हैं यानी आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो यही सही लगता है कि जो ससुराल है वो दूर ही होना चाहिए। तो आज हमारे नाज़रीन को आप क्या सुनाना पसंद करेंगे, कोई गाना, कोई शेर वगैरह? बेसिकली मैं गाना वगाना तो कुछ नहीं, वैसे मैसेज देना चाहता हूँ। जी, मैसेज दे। जो आजकल के लड़के लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो दूसरों के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, तो इस पे जो है वो ध्यान करें। पेरेंट्स जो है वो नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, ऐसा ही है। तो ये मेरा एक मैसेज है आजकल के जो जनरेशन है उनके लिए, ये मैसेज है कि अपने वालदैन का ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है,
आपको हर रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन बहन भाई और माँ बाप का रिश्ता वो कभी नहीं मिलेगा। मेरा ये आप सबको मैसेज है। बिल्कुल ठीक, और बहुत ही अच्छा मैसेज है सर। थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, हमने लोगों की राय तो जान ही ली कि ससुराल दूर होना चाहिए या पास। मोस्टली उनकी ये राय थी कि ससुराल दूर होना चाहिए, लेकिन जो मेरी तरफ से राय है वो ये है कि ससुराल करीब होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।